Assalamualaikum class, I am Aldiha Altaf, lecturer of H&E at Times Institute Multan. Today we are going to study food microbiology. फूड माइक्रोबायोलॉजी में जो है वो हम देख चुके हैं कि पैथोजेनिक टाइप के हमारे बैक्टीरिया कौन से होते हैं और कौन कौन से हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी फूड को डिस्ट्रॉय करते हैं। फूड माइक्रोबायोलॉजी की जो है वो एप्लीकेशन को अगर हम स्टडी करें तो उसका असल में मकसद ये होता है कि हम बैक्टीरिया या पैथोजेंस जो भी हैं, वायरसेस हैं, यीस्ट हैं, अल्जी हैं, फंजाई हैं या नॉन बैक्टीरियल एजेंट्स जो हैं उनके कल्चर्स को और उनकी जो है कॉलोनीज़ को स्टडी कर लें कि वो ग्रो किस टेम्परेचर पर करते हैं, किस पीएच पे करते हैं, किस मतलब कितना वाटर एक्टिविटी पर वो एक्शन करते हैं और किस तरह वो हमारी फूड को डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर जब हम ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं तो उसके बाद हमारी फूड को स्टोर करना आसान हो जाता है। माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम एप्लीकेशन देखें तो उसकी एप्लीकेशन का जो है वो मेजर पर्पज़ ये है कि हमें सेफ़ और हेल्दी फूड जो है वो मिले। अब माइक्रोबायोलॉजी में एक टॉपिक आ जाता है के प्रिजर्वेशन, माइक्रो मतलब मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेटिव्स एंड प्रिजर्वेशन मेथड। अब फूड जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने में ग्रो कर गए हैं, अब या फिर मतलब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसमें ग्रो करते हैं हमने उनके बारे में डिटेल्ड पढ़ लिया कि उनका कल्चर क्या होता है, वो किस तरह से डेवलप करते हैं, किस तरह से हमारी फूड में जो है वो फूड बोन इलनेसेस कॉज करते हैं, किस तरह से हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस होती हैं। तो अब हमारी जो फूड है हमारा काम ये है कि हम फूड कमोडिटी जो है उसको एक प्रॉपर जो है वो तरीके से स्टोर करें, प्रिजर्व करें ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करें माइक्रोबायोलॉजी की हेल्प से। आमतौर पे अगर हम देखें तो प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स हमारे होते हैं कि कोई भी हम सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, केमिकल एजेंट यूज़ कर रहे हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसमें पाए जाते हैं उनको किल कर देते हैं। प्रिजर्वेटिव के तौर पे जो है वो हम क्या करते हैं, एज अ सॉल्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को किल करते हैं, एज अ शुगर सोल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारा अल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, वो हमारी फूड को जो है वो प्रिजर्व कर देते हैं। सिरप्स होते हैं डिफरेंट किस्म के, डिफरेंट किस्म के हमारे पाउडर्स फॉर्म होती है प्रिजर्वेटिव की, या फूड एडिटिव होते हैं ना प्रिजर्वेटिव जो कि हम एडिशनल तौर पे ऐड करते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव जो है वो एडिशनल, वो फूड एडिटिव की एक टाइप होती है। फूड एडिटिव क्या होता है कि इंटेंशनली जो है वो हम अपनी फूड में कोई ऐसा फूड कमोडिटी में कोई ऐसा सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं जो कि उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करेगा, उसकी प्रिजर्वेशन को इंक्रीज़ करेगा, कोई ऐसा सॉल्ट उसमें यूज़ कर रहे हैं। प्रिजर्वेशन के अगर हम मेथड को स्टडी करें तो आमतौर पर जो हमारे प्रिजर्वेशन के मेथड होते हैं सबसे पहले तो उसमें आ जाता है हैंडलिंग एंड क्लीनिंग। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रिजर्वेशन मेथड में हमारे पास क्या आ जाता है। सबसे पहले आ जाता है हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। प्रिजर्वेशन में अब जो हैंडलिंग एंड क्लीनिंग ऑफ रॉ मटेरियल सबसे पहले है उसमें क्या आ जाएगा, रॉ फॉर्म में हमारी फूड की प्रोडक्शन हो गई है, हमने उसे किस किस फॉर्म में जो है वो स्टोर करना है, किस किस फॉर्म में जो है हमने उसको ट्रांसपोर्ट करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा, हैंडलिंग एंड क्लीनिंग में जो है वो आ जाएगी, सबसे पहले इसी में ही आ जाएगा क्लीनिंग, वॉशिंग कटिंग पीलिंग सॉर्टिंग ग्रेडिंग इसी के साथ जो है वो जो है देन उसमें आ जाएगा रिमूवल ऑफ मटेरियल, उसमें जो टॉक्सिक मटेरियल प्रेजेंट है उसको रिमूवल करना, या उसमें कोई जैसे ड्राई हमारे ग्रेन्स वगैरह है उसमें कोई हैवी मेटल आ जाते हैं, मड स्टोन्स वगैरह आ जाते हैं तो उसको रिमूव करना, ठीक है। अब इसको रिमूव किस वे से कर सकते हैं, इसमें फिल्ट्रेशन आ जाएगा हमारा, या अब ये हो गया। अब
उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल होता है, जिसमें फर्दर जो है हम सबसे पहले क्लीन करेंगे, घर में कोई वेजिटेबल लाए हैं उसको वॉश करेंगे अच्छे तरीके से, फिर उसकी कटिंग और पीलिंग करेंगे, उसके बाद उसकी सॉर्टिंग करेंगे साइजेज़ में जैसे उसको करेंगे और ग्रेडिंग करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो रिमूवल ऑफ मटेरियल जो उसमें पाया जाता है उसको रिमूव कर देंगे, उसकी सॉर्टिंग ग्रेडिंग या क्लीनिंग में ही आ जाता है। अब यूज़ प्रिवेंशन ऑफ एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। अब प्रिजर्वेशन के जो है वो डिफरेंट किस्म के रूल्स होते हैं। सबसे पहले तो ये हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल में हो गया कि अगर हम फ़ौरन मार्केट से लेकर आए हैं उसको घर लाके हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे, उसे वॉश करेंगे, फिर उसके बाद कुकिंग कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे इधर हो गया है कि वॉशिंग के बाद हमारा इधर आ जाएगा सॉर्टिंग ग्रेडिंग पीलिंग कटिंग सॉर्टिंग ग्रेडिंग के बाद आ जाएगा रिमूवल ऑफ मटेरियल, उसके बाद कटिंग, उसके बाद आ जाएगी कुकिंग, ठीक है। ये तो हमने रेडी टू कुक फूड जो फ़ौरन मार्केट से ली उसको फ़ौरन हमने वेजिटेबल को फार्म कर दिया। अब हम प्रिजर्वेशन अगर हम उसे 2 से 4 दिन के लिए रख रहे हैं तो तब हम कौन कौन से जो है प्रिजर्वेशन के रूल इस्तेमाल करेंगे कि उसमें जो है सबसे पहले आ जाएगा कि एंजाइमेटिक ब्राउनिंग ना हो, प्रिवेंशन ऑफ एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। एंजाइमेटिक ब्राउनिंग को हम प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ब्लांचिंग, ब्लांचिंग क्या होती है, ब्लांचिंग में आप लोगों को पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसमें पाए जाते हैं उसको हम पहले जो है वो क्यूबिक फॉर्म में कट कर लेते हैं अपनी वेजिटेबल को या अपना जो भी फ्रूट है या वेजिटेबल है या मीट है कोई प्रोडक्ट है तो उसको ब्लांच करने के लिए पहले उसको कट कर लेते हैं, उसके बाद हम उसे तकरीबन 3 to 5 minutes के लिए जो है वो हॉट वाटर में जो है वो सोक कर देते हैं या बॉयल कर लेते हैं ताकि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्रिवेंट हो जाए और उसकी ब्राउनिंग ना हो, जैसे एंजाइमेटिक ब्राउनिंग स्टार्ट हो जाती है, रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से वो ग्रो ना हो, या फिर इसके लिए हम यूज़ ऑफ केमिकल्स भी कर सकते हैं कि ब्राइन सोल्यूशन आप बना लें, कोई शुगर के सोल्यूशन के अंदर उसको डिप करके रख दिया, कोई सॉल्ट वाटर में सॉल्ट ऐड करके सॉल्ट सोल्यूशन बना के उसमें कोई वेजिटेबल को हमने थोड़ी देर सोक करके रखा है ताकि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं वो यूज़ ऑफ केमिकल के थ्रू जो है वो डेड हो जाए। अच्छा, उसके बाद जो है वो पास्चराइजेशन आ जाता है, पास्चराइजेशन क्या होता है, लिक्विड जैसे हमारा मिल्क है, मिल्क में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए हम उसको क्या करते हैं कि उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, लो टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम के, अगर हमारा टेम्परेचर कम है तो उसमें हम लॉन्ग टाइम के लिए उसको हीट करेंगे और अगर शॉर्ट टेम्परेचर है तो लो टाइम के लिए उसको हीट करेंगे, या फिर हम अल्ट्रावायलेंट मतलब टेम्परेचर पे भी जो है उसको अप्रॉक्सीमेटली जो लो टेम्परेचर होता है वो 65 to 75 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है जिसमें हम उसको 15 मिनट्स के लिए अप्रॉक्स 15 से 20 मिनट के लिए जो है उसको बॉयल करते हैं ताकि उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किल हो जाए, या फिर अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो उसमें हम अप्रॉक्सीमेटली जो है 3 to 5 minutes के लिए उसको बॉयल करते हैं ताकि उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाए, या अगर हम अल्ट्रा हाईलेंट मतलब पास्चराइजेशन कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि 150 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जिसमें 15 सेकेंड के लिए हम उसको उसमें से गुजारते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाए। उसके बाद केनिंग आ जाता है, केनिंग क्या है, ये जो हम अपनी फ्रूट कॉकटेल्स वगैरह बनाते हैं स्टील के केन वगैरह में करते हैं, इसका एक लंबा प्रोसेस होता है कि पहले आप वेजिटेबल लेकर आए हैं घर में या मीट है या जो भी है जिसकी केनिंग करनी है उसको घर लाते हैं, प्रॉपर आप उसको वॉश करते हैं, उसके बाद उसको पील करके स्लाइसिंग करते हैं, अगर इन केस कोई पार्ट उसका ख़राब है जहाँ पर एंजाइमेटिक ब्राउनिंग स्टार्ट हो गई है तो आप उसको वहाँ से डिस्कार्ड करते हैं, उसको प्रॉपर कटिंग करके उसके बाद उसकी ब्लांचिंग करते हैं, ब्लांचिंग करने के बाद जो जार या जो भी आपका मतलब केन है जिसमें आपने उसको डालना है एयर टाइट होना चाहिए वो आप उसमें से सबसे पहले जो
जो है वो उसको ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद आप फूड उसमें डालते हैं, फूड इतनी क्वांटिटी में नहीं डालते, ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं जिसमें आप उसमें प्रिजर्वेटिव सॉल्ट या कोई केमिकल एजेंट ऐड कर देते हैं। उसके बाद जो अगर उसमें एयर प्रेजेंट होती है तो एयर को वैक्यूम के थ्रू निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी कॉर्क जो होती है उसको सील करते हैं, सील करने के बाद केन को जो है वो दोबारा जो है वो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर बॉयल करते हैं ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो किल हो जाए। देन उसके बाद प्रॉपर उसको कूल मतलब उसको ठंडा होने देते हैं, ठंडा होने के बाद जो है वो प्रॉपर आप उसको किसी स्टोरेज प्लेस पे या तो रेफ्रिजरेटर में या फिर ड्राई और कूल प्लेस पे उसको स्टोर करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इसमें क्या क्या हो जाता है, केनिंग के जो है वो फर्दर कुछ प्रोसेस होते हैं जो हम डिसाइड कर लेते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ रॉ मटेरियल, ये इसकी हेडिंग्स ही आ जाती हैं। जिसमें वॉशिंग आ जाएगी, कटिंग आ जाएगी, उसके बाद जो है वो फिलिंग, फिर ब्लांचिंग भी इसी में आ जाएगा, फिर फिलिंग करेंगे जार में, फिलिंग करने के बाद जो है वो हम इसको सिरपिंग एंड बर्निंग करेंगे कि जो हमारा सिरप है जो कि हमारा मेलुला जो हमें केमिकल एजेंट के तौर पे एक्ट करेगा, फिर उसके बाद लेडिंग करेंगे, लेडिंग करने के बाद सीलिंग करेंगे, सीलिंग करने के बाद हम उसको हीट प्रोसेस करेंगे, उसके बाद जो है वो कूलिंग करेंगे उसकी, फिर लेबलिंग करेंगे, लेबल करने के बाद जो है सॉर्ट और पैकिंग करेंगे। ये जो है वो हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ केनिंग के अंदर की जो बात है वो है। अच्छा, इसके बाद जो है वो फर्दर जो और मेथड आ जाते हैं प्रिजर्वेशन के या स्टोरेज के, उसमें रेफ्रिजरेशन आ जाता है कि आप प्रॉपर जो है वो एक पॉलीथीन का बैग ले लें और उस पॉलीथीन के बैग के अंदर जो है आप उसको मतलब पॉलीथीन के बैग के अंदर उसको प्रॉपर जो है वो स्टोर करें और फिर आप उसको एक हाई टेम्परेचर पे जो है वो फ्रोज़न पार्ट में जो है वो स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो फर्दर आ जाता है फ्रीजिंग भी आ जाता है इसमें, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजिंग, स्टरलाइजेशन भी आ जाता है इसी में, फर्मेंटेशन आ जाता है, देन उसके बाद जो है डिहाइड्रेशन भी आ जाता है, ये सारे मेथड आप पहले डिटेल स्टडी कर चुके हैं। देन उसके बाद केमिकल एडिटिव्स एंड प्रिजर्वेटिव्स आ जाएगा, ये जो है वो सारे आपके जो हैं वो प्रॉपर मेथड है प्रिजर्वेशन में जो है वो आमतौर पे हम कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं जिसे हम अपनी फूड को जो है वो फ्यूचर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि क्लीनिंग ऑफ वो हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल है कि मतलब एक फूड है आपने मार्केट से उसे परचेज़ किया है और फ़ौरन जो है आप उसको यूज़ करने के बाद जो है मतलब यूज़ करने के लिए उसे घर ले आए हैं, कुक करना है आपने तो क्या करेंगे, उसे वॉश करेंगे, पील करेंगे, इन केस अगर कहीं से डिस्कार्ड हो रहा है, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग है तो ऐसे वेजिटेबल को या फ्रूट को या फूड कमोडिटी को दूसरी फूड कमोडिटी से अलग कर देंगे ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना ग्रो करें, देन उस पार्ट को जो है वो डिस्कार्ड कर देंगे और उसके बाद उसको प्रॉपर जो है वो कुक कर लेंगे। देन अगर इस इन केस आपने जो है वो ऑफ सीजन वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं आपने उसको स्टोर करना है तो स्टोर करने के लिए डिफरेंट किस्म के वेज हम यूज़ करते हैं जिसमें सबसे पहले हमारा ये आ जाता है कि हमने कोई भी जो भी फूड कमोडिटी स्टोर करनी है उसको ब्लांच करना है कि ब्लांचिंग में क्या है कि हमने उसको किसी भी केमिकल एजेंट में सोक करके कुछ देर के लिए रख लेना है या बॉयल वाटर में सिंपल उसको आप 3 से 5 मिनट के लिए बॉयल कर लें कि वो सेमी कुक फॉर्म में आ जाता है, देन उसके बाद आप उसको स्टोर कर लें कि उसमें माइक्रोबियल एजेंट नहीं है।
फिर जब आप उसको कुक करेंगे तो वो क्विकली जो है वो पक जाएगा, कुक हो जाएगा। क्योंकि टू सम एक्सटेंड ये भी कंप्लेन होती है कि अगर हम ब्लांच करने के बाद ऐसी फूड, फॉर एग्जांपल आपके पीस हैं, मटर जो होते हैं, मटर को आप स्टोर करते हैं, इन केस अगर आपने उसको रॉ फॉर्म में ही फ़ौरन ही आपने उसको निकाला है, ठीक है, निकालने के बाद आपने उसको शॉपर में डाल के उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर दिया है, तो उसके बाद जब आप उसको कुकिंग के लिए निकालेंगे तो क्या होता है कि वो इस टाइप के हो जाते हैं कि वो ना सख्त रह जाते हैं, उसमें जो है वो कुछ ऐसा होता है कि समटाइम जो है वो सही तरीके से पकते नहीं हैं और वो थोड़े थोड़े जो है वो कच्चे वाली उसमें फीलिंग आती है। अगर आप उसको ब्लांच करके जो है वो स्टोर करें तो ब्लांच करके स्टोर रखने के बाद जब आप उसको कुक करेंगे तो वो क्विकली कुक भी हो जाएगा और सॉफ्टन भी ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसे लगता है कि वो बिल्कुल फ्रेश ही है। तो ब्लांचिंग का ये रोल होता है, क्योंकि आप लोगों में से ही एक बच्ची ने क्वेश्चन किया था कि ब्लांचिंग अगर हम करते हैं तो क्या होता है, उसकी तो स्किन जो वेजिटेबल है उसकी तो स्किन ही जो है वो थोड़ी सॉफ्ट सी हो जाएगी, वो थोड़े से पकने वाली फॉर्म में आ जाएगी। तो डेफिनेटली वो पकने वाली फॉर्म में आ जाएगी, लेकिन उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएंगे और उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी कि फ्यूचर में जब हम उसे यूज़ करेंगे तो वो जल्दी पक जाएगी और फ्रेश फॉर्म में ही रहेगी। देन उसके बाद जो है वो उसमें हम पाश्चराइज करते हैं। पाश्चराइजेशन में आपको बताया कि लिक्विड फॉर्म के लिए करते हैं कि दूध में से जैसे बैक्टीरिया को किल करने के लिए उसे हम हाई टेम्परेचर पे जो है वो बॉईल करते हैं ताकि उसमें से बैक्टीरिया किल हो जाए। कैनिंग कर लेते हैं फ्रूट्स की, और कैनिंग को जो है वो 6 to 1 year तक का भी जो है उसका स्टोरेज टाइम हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली, कि कैन अगर किया हुआ उसमें प्रिजर्वेटिव प्रॉपर ऐड है तो उसको कुछ भी नहीं होता, वो 1 साल तक भी जो है वो यूज़ हो सकती है इन केस ऑफ सील्ड पैकिंग। अगर आप उसको घर लेकर आ जाते हैं, घर में ला के आपने उसके सील खोल लिया तो 2 days के अंदर अंदर आप उसको कंज्यूम कर लें, क्योंकि जब सील ओपन हो जाती है तो माइक्रोबियल ग्रोथ पैदा होने का खतरा भी बढ़ जाता है। फिर उसके बाद देख लिया कि कैनिंग करने के लिए जो है वो प्रॉपर जो है ये टेक्निक्स होती हैं कि किस तरह से रॉ मटेरियल प्रिपेयर करना है, फिर उसको फिल करना है, फिर उसके बाद उसके ऊपर सिरप डालना है, फिल भी उसे पूरा मुंह तक नहीं कर देना, ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़नी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि एक एयर टाइट आपकी बोतल है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेते हैं तो वो पूरी ऊपर तक क्यों नहीं भरी हुई, वो कम भरी हुई होती है क्योंकि उसके ऊपर वो एयर डालते हैं, कार्बोनेटेड बेवरेजेस है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ऐड करते हैं, तो जब आप उसे खोलते हैं तो वो प्रेस के साथ एयर निकलती है, वो गैस डालने के लिए उसके ऊपर की स्पेस छोड़ देते हैं। देन लेडिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद उसको सील कर देंगे, सील के बाद उसको दोबारा हीटिंग प्रोसेस से गुजारते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके किल हो जाएं, उसके बाद उसको कूल करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर लेबलिंग कर देते हैं जो भी आपकी प्रोडक्ट है, फिर उसके बाद आप उसको पैकिंग करके जो है मार्केट में सेल कर देते हैं। रेफ्रिजरेशन आ जाता है कि रेफ्रिजरेशन में अब जैसे फॉर एग्जांपल रोज़मर्रा की चीज़ें हैं हमारी, हमने घर में जो है वो कुकिंग की चीज़ें यूज़ करनी है, हमने अपना सालन यूज़ करना है, हमने अपना आटा यूज़ करना है, हमने मिल्क लिया है मार्केट से, उसे हमने बॉयल किया, उसे हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं कि हम 1 to 2 days में इसे कंज्यूम कर लेंगे और रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर पर जो है उसमें माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन ना हो। देन उसके बाद फ्रीजिंग आ जाती है कि हमने 1 week तक, 1 महीने तक जो है इस वेजिटेबल को हम निकाल लेंगे, ऐसा ऐसा यूज़ करते रहेंगे, या ऑफ सीजन के लिए हम उसको स्टोर कर रहे हैं तो हम प्रॉपर जो है वो एयर टाइट शॉपर्स वगैरह में उसे डाल के या एयर टाइट बॉक्सेस में डाल के उसको जो है वो फ्रोज़न कर देते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि जब आपने उसको कुक करना है फ्रोज़न वेजिटेबल को, तो आप फटाफट उसको जो है यूँ ना करें कि आप ठंडे पानी में आपने डाल के रख दिए, मतलब वहाँ से निकाला गर्म पानी में डाल के रख दिया, या आपने ऐसे ही बाहर छोड़ दिया कि स्लोली स्लोली 3 to 4 hours में उसकी बर्फ़ मेल्ट हो जाएगी फिर हम उसको कुक कर लेंगे, तो यूँ नहीं करना। उसको फ़ौरन जो है वो किसी गर्म पानी में डाल के या तो फटाफट जो है उसको डीफ्रोस्ट कर लें, या फिर आपके ओवन है अगर घर में माइक्रोवेव ओवन तो उसमें डीफ्रोस्ट का एक ऑप्शन होता है, आप उसे डीफ्रोस्ट करें और फटाफट उसे कुक कर लें, क्योंकि जब फ्रोज़न चीज़ वापस अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ रही होती है तो जितना टेम्परेचर वो जितना टाइम लेगी नॉर्मल टेम्परेचर में, हर पॉइंट पे जो है उसमें माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन होती चली जाएगी। देन उसके बाद जो स्टरलाइजेशन है, स्टरलाइजेशन का प्रोसेस आमतौर पे हम इक्विपमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये भी प्रिजर्वेटिव है कि जो बर्तन वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं जिसमें आपने करना है उसको आप प्रॉपर स्टरलाइज कर लेते हैं, और ये आमतौर पे लैब्स वगैरह में यूज़ होता है। स्टरलाइजेशन के थ्रू जो है वो इक्विपमेंट्स आपके स्टरलाइज हो जाते हैं, उसमें इक्विपमेंट्स के ऊपर कोई माइक्रोबियल एजेंट्स मौजूद नहीं होते। इनकेस अगर आपके इक्विपमेंट्स जो हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं, यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो है वो आपके माइक्रो एजेंट्स मौजूद हैं और तो वेजिटेबल जो आप उसमें डालेंगे या कुक करेंगे वो भी कॉन्टामिनेटेड हो जाएगी। फर्मेंटेशन आ जाती है। फर्मेंटेशन क्या है कि एक प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, हम उस प्रोडक्ट के थ्रू जो है वो दूसरी प्रोडक्ट जो है वो मेकिंग कर लेते हैं, उससे क्या होता है उसकी कंसिस्टेंसी और उसका टेक्सचर इंक्रीज हो जाता है और वो ज़्यादा टाइम तक जो है वो हम कंज्यूम कर सकते हैं, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बेटर हो जाती है। जैसे हम मिल्क से जो है वो योगर्ट बनाते हैं या कर्ड बनाते हैं। डिहाइड्रेशन क्या है कि हम उसको ड्राइंग फॉर्म में ले आते हैं, या हम मीट के लिए भी कर लेते हैं, वेजिटेबल के लिए भी कर लेते हैं, फ्रूट्स के लिए भी कर लेते हैं, ड्राइड फ्रूट जैसे हमारे होते हैं हम उसको डायरेक्ट जो है वो सन ड्राइंग के तौर पर भी रख देते हैं, या हम उसको
जो है डिफरेंट मशीन्स में से भी गुजार के उसका मॉइस्चर जो है वो डिहाइड्रेटेड कर लेते हैं और वो ड्राई फॉर्म में आ जाता है, और जब मॉइस्चर लेवल ही नहीं होगा तो माइक्रोबियल ग्रोथ कैसे होगी। देन केमिकल एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स, जो हम आमतौर पर सॉल्ट्स और प्रिजर्वेटिव्स सॉल्ट यूज़ करते हैं या सोल्यूशंस वगैरह यूज़ करते हैं जो कि हमारी फूड को जो है वो डिस्ट्रॉय होने से बचा लेती है। ये जो आज हमने टॉपिक स्टडी किया वो आपकी जो है वो माइक्रोबायोलॉजी में जिस नेम से था वो था प्रिजर्वेटिव्स एंड प्रिजर्वेशन मेथड्स। ये आमतौर पे जो है आप लोगों ने पहले भी इन डिटेल स्टडी किया और आज हमने इसको थोड़ा सा और गो थ्रू कर लिया है। और प्रिजर्वेशन मेथड में मतलब आप सेपरेट भी जो है वो फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें आपने इन डिटेल देखा है कि इन सारे प्रोसेसेस में किस किस तरह से अमल होता है, किस किस टाइप की जो है वो मशीन्स वगैरह हम यूज़ करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए ताकि वो हम फ्यूचर में यूज़ करें। प्रिजर्वेशन जो है वो माइक्रोबायोलॉजी से इंटर रिलेट करती है। माइक्रोबायोलॉजी का भी मतलब ये है कि हम सेफ़ और हेल्दी फूड जो है वो यूटिलाइज कर सकें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉलोनीज़ को स्टडी करें कि किस कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और वो किस किस मतलब वजूहात की बिना पे जो है वो हमारी फूड में ग्रो करते हैं, ये सारा जो है वो माइक्रोबायोलॉजी के अंडर आ जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोगों ने इसको जो है वो स्टडी करना है। थैंक यू सो मच क्लास। अल्लाह हाफिज़।